आप नमो कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, डिज्नी एक ऐसी कंपनी का नाम है जो हमेशा से एनिमेशन में माना जाना जाता है और ऐसी फिल्मों का निर्माण करता है जिसे बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी देखना पसंद करते हैं। तो अभी उसकी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है डम्बो। और अगर आपने अपने बचपन में कभी कोई सर्कस देखा हो तो मुझे लगता है कि यकीनन आपको वो फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं डम्बो फिल्म के बारे में कि उसमें क्या खास है। वैसे तो सर्कस नोनी जी ने भी जरूर देखा होगा अपने बचपन में, लेकिन इस फिल्म में उन्हें कैसा सर्कस देखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, तो थोड़ा सा नोनी जी इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, एक जंबो सर्कस के बारे में नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, बट ये डम्बो है मूवी का नाम। डायरेक्टर टिम बर्टन की रिलीज हुई मूवी, अभी रिसेंट रिलीज है, थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग रिव्यू में। गाइस, एक्चुअली 1941 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डम्बो, जो कि डिज्नी की तरफ से एनिमेटेड मूवी थी। तो आप समझ सकते हैं कि डिज्नी कितनी पुरानी कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी पुरानी है। उसी का रीमेक है, लेकिन वो एनिमेटेड थी, एनिमेटेड कैरेक्टर। ये कुछ कंसेप्ट थोड़ा यूनिक लगेगा आपको, क्योंकि कार्टूनिस्ट कैरेक्टर से रियल लाइफ कैरेक्टर्स में वापस आ रही है फिल्म। राहुल जी, नॉर्मली इससे उल्टा होता है, आपने देखा होगा रामायण भी जो है वो कार्टूनिस्ट में बाद में चेंज की गई, पहले रियल लाइफ कैरेक्टर, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें 1919 के बारे में बताया है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उससे कंसर्न हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, आपने देखा होगा, जिसका एक हाथ नहीं है। दोस्तों, ये मूवी ज्यादातर आप देख चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट बीच में बताती रहती हूँ स्टोरी के बारे में भी, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा धावक था और युद्ध में उसका एक हाथ चला गया था। उसके बाद वो सर्कस में वापसी करता है, ऐसी सर्कस जिसका मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं, जिसको बहुत स्कोप नहीं है, जिसका छोटे से लेवल की अपना बस काम चलाने का। और उस सर्कस में दोस्तों, एक उस तरह का सर्कस माने कि वो आपको वहां पर नहीं जाना होता, वो आपके गांव में, कस्बों में जाकर आपको एक तरह से खेल तमाशा दिखाता है, जैसे मेले हुआ, छोटे छोटे मेले लग जाते हैं, आपने देखा, छोटे झूले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। आप कहें तो सही भाषा में, अगर एक देसी भाषा में कहा जाए तो वो तमाशबीन टाइप से, कि जैसे आपने कई बार देखा होगा गांव में कि आज भी जो रस्सी बांधकर चलते हैं, तमाशबीन नहीं, तमाशा, तमाशबीन वो होते हैं जो देखते हैं, तमाशबीन वो होते हैं। अच्छा, हो सकता है भाई, यार देखो मेरे थोड़ा वैसे मुझे लगता है कि जो तमाशा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अच्छा, वो तमाशा करने वाले, तमाशबीन ही बोलते हैं शायद उन्हें, तमाशबीन देखने वालों को बोलते, बोलते नहीं आप तमाशबीन खड़े खड़े देखते रहे। अच्छा, ऐसा हो सकता है। चलिए, मेहरबान कदरदान साईबान, राहुल जी का बहुत एक्सपीरियंस है। तो गाइस, उसी से कंसर्न थी। और ये एक्चुअल में डम्बो जो है फ्लाइंग एलिफेंट का नाम है, उड़ने वाला हाथी। यार, हाथी जैसा जीव, सोचो, धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, भारी माना जाता है, वो कभी उड़ भी सकता है, अगर वो उड़े तो कितनों की जान ले लेगा, ये सोचने वाली की बात हो रही है ना। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो डम्बो की कहानी इसमें दिखाई है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, मतलब वो साइंटिस्ट एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये उनकी ही रिसर्च होती है कि वो हाथी को उड़ना सिखाते हैं, और फिर सिचुएशंस कैसे चेंज होती है, ये देखने में अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हमने पूरी स्टोरी को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे मुझे लगता है कि अगर 1941 की मूवी का रीमेक है तो इसके अंदर और भी यूनिक चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती थी। जैसे क्या डीमेरिट नजर आया आपको? जैसे डीमेरिट मुझे एक तो कलर कॉम्बिनेशन कम अच्छे लगे। ओके। जैसे सेट जिस तरह से प्रिपेयर किए जाने थे, या वक्त की ऐसे नीड थी, क्योंकि 1900 का समय उन्होंने दिखाना था, बिल्कुल, तो पुराना जमाना टाइप में तो ज्यादा कलरफुल नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी रीमेक टाइप में मुझे लगता है और चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती थी कैरेक्टर्स में, जो इनका एक तो डायलॉग्स जो है ना उसमें पंजाबी भी लेकर आना, हिंदी पंजाबी, आजकल आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज जो है उनके डायलॉग्स पंजाबी में भी लिए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता ना कि नोनी जी, आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड हो गया कि जो हॉलीवुड मूवीज है उन्हें जब हिंदी में डब किया जाता है तो थोड़ा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, तो उसमें अलग अलग तरह की, आपने देखा होगा कुछ हरियाणवी कैरेक्टर डाल देते हैं, जबकि डायलॉग्स भी थे उसके अंदर, है ना, तो इस तरह का आपको जो किले का एक तरह से मतलब जो सर्कस का सरदार है वो पंजाबी बोलता हुआ नजर आएगा। और लेकिन अच्छा, आपको इस फिल्म में मतलब कहीं भी ऐसा लगा कि ये बोरिंग है और कहीं भी कुछ बोर करती है या बांधे रखती है? फैमिली मूवी है, फैमिली मूवी है, आप आराम से देख सकते हैं, कुछ वल्गर सीन्स भी नहीं है, बांधे रखती है। आपको क्या लगता है ये जो मेन जो फिल्म है ये किस एज ग्रुप को टारगेट करती है कहीं ना कहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग 8 साल से शुरू हुई बच्चे की एज, और 8 से फिर किसी, मुझे लगता है 5 साल का बच्चा भी इजिली देखेगा, एंजॉय करेगा। एलिफेंट है क्योंकि कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, और कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाए तो वो किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो आपको फिल्म में देखकर पता चलेगा।
कि जिस मतलब कभी कभी किसी चीज को हम बिल्कुल ही कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो सबसे हटके निकल जाता है, यूनिक निकल जाता है। ये रियल लाइफ में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ये डम्बो में देखेंगे आप तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे वो अद्भुत हाथी की कहानी। तो आप ओवरऑल क्या रेटिंग देना चाहेंगी फिल्म को? फिल्म में मेरे को तो लगता है कि मैं इसको 10 में से अगर देना तो 10 में से अगर नंबर देना चाहे तो हाँ, तो 8 रेटिंग देना चाहूंगी। 8 रेटिंग नोनी जी देना चाहेंगी। और वैसे मेरी भी रेटिंग दोस्तों इतनी ही रहेगी 10 में से 8, क्योंकि मैंने भी फिल्म को काफी इंजॉय किया। स्टार्टिंग में मैं जरूर कहना चाहूंगा जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा आपको स्लो लग सकता है, क्योंकि कहानी बनने में, एक एक कैरेक्टर को समझाने में, करने में। और इस फिल्म में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है दोस्तों कि हम कई बार क्या होता है कि अगर हम तालाब हैं और समुंदर में मिलने से हमारी अपनी भी पहचान खो जाती है। हाँ, आपको उसमें जो कैरेक्टर है उससे पता चलेगा कि ज्यादा लालच के चक्कर में हम अपना जो हमारे पास है वो भी कई बार खो देते हैं। और राहुल जी एक और चीज इसमें दिखाई गई है, इसमें ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ज्यादा गहराई से, बहुत ज्यादा इमोशंस से दिखाया गया है कि चाहे इंसान हो चाहे जीव हो, आपस के जो कहते हैं ना कि कुदरत के रिश्ते जो होते हैं, माँ बच्चे का जो संबंध है ना, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे कि जानवर भी कितने अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा सच्ची। तो मतलब ये एक मैसेज बहुत अच्छा है फिल्म का। बाकी आप ये है कि अपने बच्चों को लेकर ऐसी फिल्में जरूर दिखाएं जिससे वो भी फैमिली से ज्यादा अटैच्ड रहें, और मतलब एक मन में एक होती है ना फीलिंग्स जनरेट होती रहती है, और जैसा हम देखते हैं बचपन से वैसे कुछ नेचर में इंसान बनते हैं नेचुरली उनको ये। और बाकी एलिफेंट तो मैं मानता हूँ सबसे प्यारा जीव है, क्योंकि शाकाहारी भी है, इतना बड़े साइज का होता है, और लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का जो एक कहता है ना घमंड नहीं होता। हाँ। और बहुत मतलब कभी किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने की एक आदत नहीं होती। हाँ, दुरुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, ये बात है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी किसी नई मूवी का रिव्यू चाहते हैं या कोई पुरानी मूवीज है जो आपकी बहुत फेवरेट है या आपने नहीं देखी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम भी बता दीजिएगा। वेब सीरीज से कंसर्न चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि हम साथ में रिव्यू करते हुए ज्यादा मजेदार लगते हैं या नोनी जी अकेले आए या मैं अकेला हूं। नहीं नहीं ऐसा कुछ बताना। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नमोकार सिनेमा पे। इन फ्यूचर आपको सभी तरह की कैटेगरी की मूवीज हो, सीरियल हो, आपको सबका रिव्यू सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।